जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पानी। पानी के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, जल ही जीवन है, ये हमारा सेवा को बढ़ा में कैसे दें। तो जल ही जीवन है, कैसे दें, कैसे दें नाम दिया गया है कि वर्षा को पकड़ो। ये बात ये कही गई है कि पानी जो है हम लोगों का धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जमीन के अंदर का पानी भी खत्म हो रहा है और वर्षा भी बहुत कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है क्लाइमेटिक कंडीशन जो है एनवायरमेंट है हमारा जो है पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो जमीन के अंदर के पानी को संरक्षण कैसे कर सकते हैं, आपने देखा होगा पहले तो शहर में पानी का बहुत खर्चा हुआ करता था, लोगों का टंकी लगा के रखते थे और पानी भरते थे, उसको बनाते हैं या नाने धोने का किसी काम में। गाँव में क्या हो रहा है कि एक इंच की समर लगाते हैं और फिर अपनी भैंस या गाय को एक एक घंटे नहीं पाते, ये आपने देखा होगा। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो नीचे का पानी है साफ पानी वो खत्म होता जा रहा है। तो जल स्तर आपने देखा होगा पहले बहुत ऊपर पानी था, अब जो है इसलिए पाइप हमें डाल रहे हैं नीचे तब जाके पानी मिलता है, समझ चला रहे हैं पानी इतना लोग खर्च कर रहे हैं। अब आप देखो कि अगर हम लोग किसी तरह से पानी खर्च करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि नीचे पानी बचेगा ही, तब हम लोग क्या करेंगे ये सोचो। तो यही इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। तो पानी को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए इस समय, क्योंकि बिना पानी के हम लोग ना तो जो है फसल उगा सकते हैं ना ही हम जीवित रह सकते हैं। पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत पड़ती है, हर किसी को पानी की जरूरत है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है सर। अब कई लोग कहते हैं कि पानी बहुत है, पानी जो है हमारी पृथ्वी पे जितना एरिया है उसका 3/4 हिस्सा पानी है, यानी कि 4/3 हिस्सा पानी है, एक हिस्से पे जमीन है जिस पे हम लोग रहते हैं, लेकिन वो 3 हिस्से का जो पानी है वो हमारे पीने लायक नहीं, वो खारा पानी समुद्र में है, पानी बहुत पानी है लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं। इसका केवल 2.5% पानी हम लोगों को पानी पीने के इस्तेमाल में है, केवल पृथ्वी पे जितना पानी यहाँ पे है उसका केवल 2.5%, यानी कि हम लोगों को बहुत कम पानी है हमारे पास। अब कैश जमीन इसलिए कहा गया है कि जो वर्षा होती है, वर्षा भी गलत टाइम पे होने लगी, कभी जून लास्ट में मानसून आ जाता था फिर अच्छा पानी बरसता था, लोग धान की फसल किया करते थे, सारी फसलें होती थी टाइम के हिसाब। लेकिन हमारे राजेंद्र सिंह जी हैं राजस्थान में, उनको बहुत ही उन्होंने कई रिसर्च किए पानी के ऊपर, और पानी के राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं पहाड़ी इलाके जहाँ पर पानी का लेवल बिल्कुल नीचे था ही पानी, उन्होंने वहाँ पर पानी जो है राज्य ऊपर बांटा, कुओं में पानी आ गया पहाड़ के किनारे राजस्थान में, बहुत अच्छे आदमी हैं, बताएं उन्होंने ये कैसे किया था। तो कोई भी बहता हुआ पानी जैसे पानी बरसता है तो आपने देखा होगा जब तेजी से बरसता है तो पानी बहने लगता है, बहता हुआ चला जाता है नालियों के थ्रू जो है एकदम गंगा जी चला गया पानी चला गया। अब उन्होंने क्या किया, बांध बनाया, उनके जैसे पानी बहता हुआ जा रहा बाहर से उन्होंने बांध बनाया, जैसे यहाँ बांध बना दिया इस तरीके से कि पानी आया ऊपर से ऐसे करके रुक गया और फिर थोड़ा इसका नीचे ऐसे करके बनाया ये वाला पानी, फिर यहाँ बनाया था वो पानी वहाँ इकट्ठा हुआ और भरा और उसके बाद गुजरा दूसरे उसमें तो वहाँ भरा तो उसके नीचे आया वो उसमें भरा। तो ऐसे पहाड़ों में बीच में बना दिए जमीन तक और लास्ट में जमीन के चारों तरफ पहाड़ चारों तरफ तालाब होती है बड़े बड़े, उनमें पानी जो है भर गया और पानी जब भरा तालाब के थ्रू ही पानी जमीन के अंदर जाता है तो वहाँ का वाटर लेवल एकदम बढ़ गया और इतनी बढ़िया हरियाली हो गई है वहाँ जो बहुत अच्छा राजस्थान में। जब राजस्थान में पानी अच्छा हम लोग यूपी में रह रहे हैं जहाँ पे हमारी गंगा ही बह रही है बगल में, जो पानी का इतना अच्छा स्रोत है और जीवनदायिनी कहा जाता है, लेकिन हम लोग उनको भी गंदा कर रहे हैं, हम लोग उनको भी गंदा कर रहे हैं। क्यों कैसे, वहाँ ये गंगा जी हमारी जो 2525 किलोमीटर जो है यहाँ से टोटल उनकी लेंथ है जहाँ समुद्र में गिरती है, जिसमें 2510 किलोमीटर का जो लेंथ है वो हमारे यूपी से होकर उत्तर प्रदेश और इससे लगे जितने गाँव उन सबको उस गंगा जी के पानी से लाभ होता है, चाहे मछली पकड़ते हो चाहे वो गंगा जी के किनारे फसल करते हो लौकी की और ऐसे वगैरह गंगा जी के किनारे बैठे हुए जो करते हैं, तो कुल मिला के गंगा जी की वजह से ही तो वहाँ पर ये सब हो रहा है। लेकिन अब दुर्भाग्य क्या है कि लेटरिन भी वहीं हो जाते हैं, गाय भैंस वहीं नहला रहा है, तो उस पानी को गंदा करें, तो पानी को गंदा ना करो, बस यही वहाँ के लोगों को बताओ तो हमारा पानी साफ रहेगा। और क्योंकि हम लोग तो गंगा जी के पानी को देखा होगा जल को हम लोग पी भी लेते हैं पीने के
बाद में जो है चना भी वगैरह बनाते हैं तो उसमें डालते हैं प्रसाद के रूप में देवी को। हाँ तो ये मतलब जब हम इतना शुद्ध पानी जो है मानते हैं उसको गंदा क्यों करते हैं? तो सरकार तो उसको और काम कर रही है, जिसको शौचालय वहाँ शौचालय का घर का बनाए हैं, लेकिन उन शौचालय में कितने लोग जा रहे हैं ये दिक्कत है। गाँव में अभी भी देखा है कि शौचालय तो बने लेकिन जो है खुले में जाते हैं। अब 2510 किलोमीटर के एरिया गंगा जी कवर कर रहे हैं, तो कितने गांव हमारे जो है उसी के आश्रित हैं। इसके अलावा प्रमुख नदी अपने यहाँ शायद कन्नौज में तो शायद नहीं कि काली नदी है, काली नदी मेरे साथ सिंचाई के रूप में काम आती होगी और यहाँ पर मछलियाँ भी होंगी मेरे साथ, तो दो तरीके से लाभ करती है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, गाँव में जो लोग हैं उनको काली ये बताना है कि आप फालतू में सफर ना चलाएं। मेरे गाँव की बात करें तो एक बार गए प्यास लगी तो एक गिलास पानी दे दो, समर घरवाली जोड़ो जो जो समर वहाँ होती 3 इंच की समर जो खेतों में सिंचाई के लिए काम आती है, तो 3 इंच की समर उन्होंने ऑन की और एक गिलास पानी पीना था वो ऑन की और पूरी औजा भर के पानी फैल रहा है, पानी हमने एक गिलास नहीं आता। तो फालतू में पानी को बर्बाद कर रहे और उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने एक नया नियम बनाया है कि 200 वर्ग गज से ऊपर जिसके भी मकान हैं उनके छत पे रेन वाटर को कलेक्ट करने का हार्वेस्ट करने का वो बनाना ही पड़ेगा। जो बरसात का पानी है वो आपको छत पे बनाना पड़ेगा, उसको एकत्र करने के लिए 200 वर्ग गज से ऊपर के मकान मिल रहे हैं और होटल और रेस्टोरेंट इनपे तो बनाना जरूरी ही है, वहाँ ऊपर आपको बनाना ही पड़ेगा तभी आपको लाइसेंस मिलेगा होटल चलाने का और बाकी काम करने का। ये चीज है। अच्छा ये द्वारा ये रोटी है बस यही टॉपिक है हमारे, तो बाकी किसी कोई चीज पूछनी हो तो बताइए, आपको कहना हो तो बताइए। बाकी ब्लॉक में प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि यहाँ सभी लोग हैं तो गांव के लोगों से जुड़े होते हैं, प्रधान जी से जुड़े होते हैं, तो अगर आपको एकत्र करना है पानी को तो उनसे बात करें, तालाब बनवाएं जिन जिन गाँव में जरूरत है। अगर एक तालाब से नहीं पूर्ति हो रही है तो दूसरा तालाब बनवा लें। हम लोग तो जंगल में भी होटल भेजा है, जंगल में भी जो है हम लोग तालाब बनवाएंगे एकत्र करने के लिए, पानी एकत्र होगा जल स्तर बनेगा वो हम लोग के लिए लाभदायक होगा। और खेती, हाँ खेती के बारे में बता दें, खेती जो है बड़ा अजीब तरीके से हो रही है, मतलब मौसम के हिसाब से अगर मौसम बदल रहा है जैसे बरसात लेट हो रही है या बरसात कैसे भी हो रही है तो आप खेती उसी हिसाब से करो जिस हिसाब से करनी चाहिए, पानी जिस खेती को ज़्यादा चाहिए तो वो उस टाइम पे करो। हमने देखा मक्का एक ऐसी होती है, मक्का में जो गर्मियों वाली शायद होती है तो उसमें पानी इतना लगता है बता रहे हैं पानी चलता रहता है, तो मक्का ऐसी मक्का करें क्या फायदा है जिसमें इतना पानी चला जाए आपका धन भी खराब हो और पानी भी खराब हो रहा है तब वो फसल पैदा करते हैं। तो अभी जैसे ये पानी बरस रहा है तो इस हिसाब से काम करिए कि जो खेती को उसी ढंग में लाइए जैसे मौसम बदल रहा है, और मौसम बदलने का भी कारण ये है, मौसम बदलने का भी यही कारण है कि हम लोग का एनवायरमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मेन चीज़ है पेड़, पेड़ पर ही आगे हर चीज दिखती है, पेड़ जितने ज़्यादा आप लगाओगे उतनी ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी और पानी बरसेगा, पेड़ कम होंगे तो पानी नहीं बरसेंगे, ये ध्यान। बहुत सी नदियाँ ऐसी हैं हमारी अमेजन वगैरह जो है यहाँ नहीं है अफ्रीका के किनारे है तो वहाँ तो हर समय पानी बरसता रहता है, ये कोई चेरापूंजी की जगह है हर समय पानी बरसता है हर समय, क्यों वहाँ जंगल है तो वहाँ पानी की कमी और वो भी शुद्ध ऊपर का पानी सॉफ्ट वाटर माना जाता है शुद्ध पानी, ये अगर फसल लग जाता है तो फसल भूमि तेजी से बढ़ेगी और अच्छे चीज़ें मिलेंगी। नीचे के पानी कितना चला करो, नीचे के पानी जो है उसको हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करो और बाकी चीज़ें जो है चाहे फसल हो या कोई हो तो वो उसी ढंग में आप डाल दो मौसम के हिसाब से। मक्के की वराइटी होती है तो बरसात में भी होती है तो वो वाली मक्का करो, जरूरी थोड़ी ना कि गर्मियों वाली करो पानी निकाल डालो अंदर, हम यहाँ पर तो 200 के करीब नीचे पानी चला गया है कन्नौज 200 के नीचे पानी समझो, ये बड़ा अजीब बात है 200 के नीचे होना चाहिए मौसम पर। हमारे फतेहगढ़ में तो जो एमवी रोड पर रहते हैं तो वहाँ पानी 70 पे है, ऐसा क्यों कि यहाँ पानी इतना कैसे नीचे चला गया, जितने भी जंगल के एरिया औषधीय एरिया है ना तो इसके नीचे के पानी अभी अभी तो मान एक
पानी खाली मोटर की पावर डालते रहो, पानी डालते रहो, पानी खत्म नहीं, पानी खत्म नहीं। नीचे पानी जो है आपको करना है तो जल संरक्षण पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और आपके आसपास गांव के लोग हों या कोई भी हो उनको भी बताइए कि भैंस और गाय मेहरबानी के लिए केवल समर चला के जो है घूमो ना, पानी बर्बाद करें। ठीक है, तालाब बने हुए हैं, अच्छी जगह है, उसमें नहरवा पड़ी है, क्यों जो है घर में खत्म करें। ठीक है, और किसी कुछ पूछना हो या कोई बात कहनी हो आप गाँव में जो बेचते जो पानी है, पानी जो बर्बाद करते हैं उसको बचाना है। जैसे सर ने बताया कि फसल ना उगाए, ऐसा तो मतलब किसान आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है। फसल नहीं, फसल ना उगाने के लिए फसल मौसम के हिसाब से होता है। हाँ, इससे मक्का जो है कि गर्मी में उगाई जाती है वो गलत है। अभी पानी मक्का होगा, पानी बरसता है आराम से होगा। वो हाईवे में चली जाती है, मतलब आप जैसे गाँव में